भाजपा के तमाम दावे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। अब तक के रुझानों के मुताबिक दोहरे शतक के साथ दीदी की हैट्रिक तय। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में टीएमसी बाजी मारती हुई दिख रही है। रविवार को आ रहे नतीजे में दोपहर तक ममता बनर्जी की पार्टी ने 200 के आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 90 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है। साफ है कि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अभी तो जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि इस बार राउंड काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए शाम तक ही स्थिति स्पष्ट होगी। पर हम 3 से प्रारंभ हुए थे और हमें चुनौती ये दी गई थी कि 100 सीट भी नहीं आएगी। हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैजिक नंबर है वो भी पार करेंगे। प्रशांत किशोर ने जो चैलेंज किया था, अब क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? वही मैं कह रहा हूँ कि ममता जी ने भी कहा था कि 100 सीट नहीं आएगी, हम 100 सीट क्रॉस कर चुके हैं। नंदीग्राम को लेकर क्या कहें, शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ममता जी हारेंगी वहाँ। कितने सर, कितने सीट का अनुमान है? कंफर्टेबल मेजोरिटी सरकार बनाएगी।